हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में दोस्तों एक अजीब सा किस्सा ये हुआ है आज कि आज जैसे ही मैंने आप वीडियो अपलोड करी सरस्वती विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन से रिलेटेड, क्लास 11th के एडमिशन से रिलेटेड, उसी वक्त 5 से 10 मिनट बाद ऑफिशियल वेबसाइट edutech.in जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इस पर इस साल का भी नोटिस आ गया है। और जो मैंने बात वीडियो में बताई थी आपको, लास्ट ईयर का जो क्राइटेरिया था इस साल भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन कुछ एडिशनल बातें मुझे और बतानी है जो इस साल आई है। साथ में मुझे ये भी बताना है कि आप लोग 11th क्लास का फॉर्म कैसे भर सकते हो, आप फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हो, आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, नॉट ओनली सर्वोदय विद्यालय बट किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। तो ये जो नोटिस आया है ये सभी गवर्नमेंट स्कूल के लिए आया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन सर्कुलर, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो जो है लिंक लेटेस्ट आए हैं। एडमिशन क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, सेम रहेगा जैसे लास्ट ईयर है, एक वर्ड भी चेंज नहीं है, एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, बस डेट चेंज करी है। तो एडमिशन क्राइटेरिया वाली वीडियो मैंने बना दी थी, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, और अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो जाके। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ऑप्शन फॉर्म कैसे आप भरोगे और स्कूल में एडमिशन कैसे ले सकते हो, क्या क्या यहाँ पे डिसाइड करा है गवर्नमेंट ने। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने लाइव डाउनलोड कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड हो चुका है और आपके सामने खुल चुका है सर्कुलर 5 अगस्त 2020 जो आया है बिल्कुल ठीक, अभी 2 से 3 घंटे पहले ही आया है। सो इंस्ट्रक्शंस फॉर प्लान एडमिशन इन क्लास 11th इन साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम फॉर द सेशन 2020-21 ठीक। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एडमिशन के प्रोसीजर की। सो ऑल हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल शॉल एंश्योर दैट देयर ऑन गवर्नमेंट फीडर स्कूल स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन इन क्लास 11th थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन द स्ट्रीम एज पर देयर चॉइस एंड एलिजिबिलिटी। इस बार यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको बोला गया है कि वो ऑनलाइन माध्यम के द्वारा क्लास 11th के एडमिशन अपने स्टार्ट करें एज पर द स्ट्रीम्स चॉइस एलिजिबिलिटी। एडमिशन क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था, डेट पर ध्यान मत दीजिएगा, जो लास्ट ईयर था सेम की बिल्कुल सेम है, मैं आपको दिखा दूंगा बिल्कुल सेम है एज इट इज़ है। तो आप वही फॉलो करिएगा लास्ट ईयर वाला, वो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम है एडमिशन क्राइटेरिया, एक मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं है। बाकी कोई जो इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो मैं अभी दे देता हूँ क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है आज का। सो लिखा हुआ भी है लाइक प्रीवियस ईयर्स द ऑनलाइन लिंकेज प्लान विद इन द स्कूल ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन टू क्लास 11 हैज बीन प्रिपेयर्ड वेयर बाय अ मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड। तो मेरिट लिस्ट भी जनरेट होगी। अब बात करते हैं प्रोसीजर कैसा रहेगा। तो हेड ऑफ द स्कूल विल एंश्योर दैट द चॉइस ऑफ द स्ट्रीम इज टेकन इन द ऑप्शन फॉर्म थ्रू टेलीफोन और एनी अदर कम्युनिकेशन मीडिया। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पे आपको बात क्या करी गई है, आपको यहाँ पे बात करी गई है कि आप यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म फॉर चॉइस सेंड कर सकते हो, शुड बी सेंड टू द ऑल कंटेंट स्टूडेंट्स थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। यानी देखिए आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको स्कूल में जाके भी जमा कर सकते हो और ऑप्शन फॉर्म जो आएगा उसे व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हो स्कूल की साइट पे। तो स्कूल की आप ले सकते हो, स्कूल के पास जाके भी यहाँ पे जानकारी ले सकते हो कि उनका ईमेल क्या है, व्हाट्सएप क्या है, और आप उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स शुड बी एक्सप्लेन अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बोली गई है, दूसरी चीज़ ये बोली गई है कि जो हेड ऑफ द स्कूल हैं वो फैसिलिटेट करेंगे स्टूडेंट्स को इन सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम में हेल्प करेंगे, उसके लिए एक ऑनलाइन जो है यहाँ पर रखा जाएगा काउंसलिंग के लिए, और एक हेल्पलाइन नंबर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एनी डेजिनेटेड टीचर मे बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन द सेशन। सो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा और एक ऑनलाइन सेशन भी अरेंज कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन सेशन मे बी अरेंज बाय द HOS ठीक है, सो दैट आपकी सेलेक्ट करने में मदद हो, साइंस स्ट्रीम लेनी है आपको, कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है या आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेनी है, हालांकि आप वो खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जिससे कि थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाए, अगर आप कंफ्यूज हो तो आपकी अथॉरिटी हेल्प करेगी, हेड ऑफ स्कूल हेल्प करेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड ऑफ स्कूल दैट ऑल द स्टूडेंट सबमिट देयर ऑप्शन फॉर्म विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स और स्कूल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हेड ऑफ स्कूल की कि स्टूडेंट के ऊपर कोई भी प्रेशर ना डाला जाए
स्ट्रीम को चूज करने में वो अपने हिसाब से स्ट्रीम को चूज कर सके। सो अब बात आते हैं कि इस साल कुछ अलग होने वाला है कोरोना वायरस की वजह से, वो क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये दो पॉइंट्स हैं, तो इन दो पॉइंट्स को हम ध्यान से देखते हैं। इन व्यू ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक कोविड 19, इट इज डिसाइडेड दैट स्टूडेंट पेरेंट्स में सबमिट देयर ऑप्शन फॉर्म टू द करंट स्कूल थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब जो मैं आपको ऑप्शन फॉर्म भरना बताऊंगा, अभी कैसे भरना है आपको वो मैं बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। वो आपको फॉर्म भरने के बाद दो तरीक़ों से दे सकते हो। अगर आपके पास ऑनलाइन सबमिशन की फैसिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर स्कूल में जाके दे सकते हो, स्कूल में जाके दे सकते हो, पर उसके लिए आपको डिफरेंट स्लॉट्स में डाल दिया जाएगा, उसमें आपका जो नाम है वो डिफरेंट स्लॉट्स में आएगा। लेकिन आजकल सबके पास ऑनलाइन फैसिलिटी है, बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो अगर आपके पास ऑनलाइन सबमिशन फैसिलिटी है तो वो आप स्कैन करके, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, आप स्कैन करके फॉर्म भर के स्कैन करके उसे अपलोड कर सकते हो स्कूल के व्हाट्सएप या ईमेल पे, कंकर्ड हेड ऑफ़ द स्कूल व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा। हेड ऑफ़ द स्कूल जो है वो आपका जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट करके आपका वो रिकॉर्ड जो है वो रख लेगा और आगे का प्रोसेस चल जाएगा। तो जो ये व्हाट्सएप और ईमेल की बात करी गई है, ये आप कैसे ले सकते हो, ये चीज़ मेन है। तो इसके लिए या तो आप स्कूल में जाके पता कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो पर्टिकुलर स्कूल की साइट है उसके बारे में देख सकते हो। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इस चीज़ को लेके। हालांकि आप हेड ऑफ स्कूल के जाके यहाँ पे पता कर सकते हो, क्योंकि पर्टिकुलर स्कूल की पर्टिकुलर व्हाट्सएप या ईमेल होगा जहाँ पे हर स्कूल वाला अपना हिसाब से डिसाइड करेगा कि इस नंबर को एडमिशन के लिए हमें रखना है, तो वो आपको पता करना होगा। हेड ऑफ द स्कूल विल सबमिट द नेम्स ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड स्ट्रीम थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल। तो जिनके नाम साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ में आ जाएंगे उनका नाम ऑनलाइन मॉड्यूल के द्वारा लगा दिया जाएगा, लिस्ट लगा दी जाएगी ऑनलाइन। Heads of the feeder schools will submit a consolidated report regarding choice of stream along with the form in RO. तो ये सब आपके काम की चीज़ नहीं है। No eligible student of government school will be denied admission till completion. ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, SLC of the student may be generated at feeder school when the parent school provisionally admits the students online. Therefore, all the heads of the parent schools are directed to first admit the students provisionally. Then feeder school will provide the SLC and certified copy of mark sheet to the concurrent parent school of the students. तो वो SLC जो है, school leaving certificate जो है, उसके लिए आगे आपको क्या करना है, school leaving certificate जो होगा students का वो generate करा जाएगा feeder school में, जब parent जो होगा वो student को online admit कर देगा नए वाले school में। Therefore, all the heads of the parent school are directed to first admit the student provisionally. यानी पहले आपको स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे करवाना है, एक मिनट। तो यहाँ पे आप लोगों को, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा दीजिए, उसके बाद SLC जो है वो जनरेट हो जाएगा आपका फीडर स्कूल से, वहाँ आप बोल के रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप SLC नहीं दोगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर दीजिए, SLC बनवाने के लिए बोल दीजिए, जब SLC बन जाएगा तो आप SLC भी सबमिट कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, या स्कूल से बोल दीजिएगा कि हमने इस स्कूल में एडमिशन लिया है तो फॉरवर्ड करवा देंगे, और सर्टिफाइड कॉपी जो है मार्कशीट की वो भी स्कूल को आप प्रोवाइड कर दोगे। आफ्टर रिसीव्ट ऑफ द SLC फ्रॉम द फीडर स्कूल, हेड ऑफ द पेरेंट स्कूल विल कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। तो आपका एडमिशन प्रोसेस उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो SLC के बिना भी। तो ये हो गई एडमिशन प्रोसेस की बात। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, अगर आप वीडियो थोड़ी सी हल्के में देख रहे थे तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज अब ये सीरियस फॉर्म है। यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं ये बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे क्लास 11 का ऑप्शन फॉर्म है, ये आपको भरना है, इससे आपका एडमिशन होगा। तो ये आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, पेन से फिलअप करना है, उसके बाद फोटो खींच के स्कैन करके उसके बाद सॉफ्ट कॉपी सबमिट कर देनी है व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा। इसके साथ में आपकी मार्कशीट लगेगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताए थे, आई कार्ड पे आपको मिल जाएगी वो वाली वीडियो, एडमिशन क्राइटेरिया वाली। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेट आएगी जिस भी डेट को आप भर रहे हो, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्लॉक लेटर्स में लिखना है या छोटे लेटर्स में लिखना है, आप सीधा अपना नाम लिख दीजिए, स्टूडेंट की आईडी, ठीक, क्लास 10 CBSE, अदर बोर्ड रोल नंबर, यहाँ पे 10th का बोर्ड का रोल नंबर आएगा आपका। यहाँ पे आप स्ट्रीम कौन सी चूज़ करना चाहते हो, तो स्ट्रीम के ऑप्शन बहुत सारे हैं आपके पास। आप साइंस ले रहे हो तो साइंस कौन सी लेनी है, मैथ वाली या बिना मैथ वाली। कॉमर्स ले रहे हो, कॉमर्स कौन सी लेनी है, मैथ वाली या बिना मैथ वाली। आर्ट्स ले रहे हो, आर्ट्स कौन सी लेनी है, इकोनॉमिक्स के साथ या बिना इकोनॉमिक्स के साथ।
या फिर आर्ट्स लेनी है आपको स्किल सब्जेक्ट्स के साथ और विदाउट स्किल सब्जेक्ट के साथ। तो ये जो स्किल सब्जेक्ट्स हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होंगे आपके, जिसमें स्किल होएगी, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होंगी जो आपके आगे काम आएगी। तो आप स्कूल में जाके पता करोगे या ऑनलाइन भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा स्किल सब्जेक्ट्स क्या होता है। तो ये अभी मैटर नहीं रखता, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस कॉमर्स लेते हैं या ह्यूमैनिटीज़ में विदाउट इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स ही लेते हैं, ठीक है। ओके सो अब बात करते हैं मार्क्स इन दी सब्जेक्ट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखने हैं और सब्जेक्ट में मार्क्स आपके कितने परसेंट आए हैं वो लिखने हैं एज पर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपके चार खाने दिख रहे होंगे, चार खानों में आपको मार्क्स लिखने हैं, आपके साइंस में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, तो जो भी आपको स्ट्रीम लेनी है उसके हिसाब से। लेट्स से आपको साइंस लेनी है तो साइंस में आपके मैथ्स के मार्क्स देखे जाएंगे, साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे। सिमिलरली कॉमर्स लेनी है तो उसमें सोशल साइंस आ जाएगी। तो मैंने जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में बताया था एडमिशन क्राइटेरिया में सब्जेक्ट, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स लिख लेने हैं अपने और फिलअप करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके साइन होंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके पेरेंट्स के साइन होंगे और नीचे वाली चीज़ आपको नहीं भरनी है, ये इशूड करेगा स्कूल, तो ये आपको नहीं भरना है, ये स्कूल अपने आप देखेगा, प्रिंट आउट निकलवा के साइन वाइन करेगा अपने आप। ओके तो ये हो गया फॉर्म, आई होप आप सबको फॉर्म समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है, यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया, देखो बिल्कुल सेम है जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को, बिल्कुल एज इट इज़ एक एक वर्ड यहाँ पे सेम है, जस्ट कॉपी पेस्ट मारा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। डॉक्यूमेंट जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताए थे आप यहाँ भी स्क्रीन पोस्ट करके देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स, ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके मार्कशीट के साथ में लगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक। अभी मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, वो क्या बतानी है मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो मुझे यहाँ पे ये बतानी है कि आप यहाँ पर एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एज क्राइटेरिया देख लीजिए क्लास इलेवंथ के लिए, फिलहाल मैं क्लास इलेवंथ की बात कर रहा हूँ, बाकी आप और क्लास का भी देख सकते हो। एज क्राइटेरिया 15 साल कम से कम होना चाहिए स्टूडेंट्स की एज, और 17 साल से कम होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एक साल का। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा एक साल का, तो यानी आप जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हो यहाँ पर रिलैक्सेशन क्या मिल जाएगा। रिलैक्सेशन शॉल बी ग्रांटेड इन मैक्सिमम एंड मिनिमम एज फॉर 1 ईयर एज ऑन 31st March ऑफ द ईयर फॉर दोज स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 11 इन द गवर्नमेंट स्कूल अंडर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। जिसने 10th क्लास पास करी है CBSE से और कोई गैप ईयर नहीं है, उसे यहाँ पर एक साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया हुआ है, अ स्टूडेंट हु हैज़ कम्प्लीटेड 14 ईयर्स ऑफ एज ऑन 31st March ऑफ द ईयर एंड हैज़ पास क्लास 10 फ्रॉम CBSE और इक्विवेलेंट बोर्ड, तो उसे यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। यानी आपने 14 साल कम्प्लीट कर लिए हैं 31 मार्च को और आप पास हुए हैं 10th क्लास में, तो आपको मिल जाएगा एडमिशन। तो एज का रिलैक्सेशन एक एक साल का यहाँ पे हो जाएगा। जैसे अ स्टूडेंट हु इज़ अबव 17 ईयर्स ऑफ एज बट हैज़ नॉट कम्प्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1st April ऑफ द ईयर एंड हैज़ पास क्लास 10 फ्रॉम CBSE और एन इक्विवेलेंट बोर्ड में बी ग्रांटेड एडमिशन इन द क्लास 11 आफ्टर अलोइंग 1 ईयर रिलैक्सेशन इन द मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। बट इसकी लिमिटेशन ये है कि आपको कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए, आपकी क्लास रेगुलर होनी चाहिए, अगर आपने एक साल बीच में मिस करा है तो ये आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये वाली बात थी, मुझे आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है गवर्नमेंट एडमिशन कैसे हो रहा है क्लास 11 में इस साल। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एडमिशन क्राइटेरिया वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आई कार्ड पे आपको दिख जाएगा लिंक, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हो। सारी गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन क्लास 11 की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने दे दी है, टाइम पर दे दिया बिकॉज आज ही नोटिस आया था और मुझे ये वीडियो बनानी जरूरी थी ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी एक्शन लो और यहाँ पे अपने एडमिशन जल्दी से जल्दी सिक्योर कर पाओ। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, ऐसी वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आपको लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर चाहिए और टाइम पर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज बिना बेल आइकन के सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टेंशन में रहते हैं कि एडमिशन कब होएंगे, तो फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जिस भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिएगा, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, उससे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगा उससे और ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँगा, तो मेरा भी मोटिव क्लियर हो जाएगा। साथ में अगर आप मेरे से कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सीरियस है इशू, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में मैं आपकी वहाँ पे हेल्प करूँगा। अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हो तो मैं आपसे कॉल पर ही बात करूँगा, अगर आपका सीरियस इशू हुआ तो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलूँगा अगली वीडियो में, वीडियो को आई होप आप सबने ध्यान से देखा होगा और आपको सबको समझ भी आ गया होगा। तो इसी के साथ मिलूँगा अगली वीडियो में, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।